नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। कंकड़बाग पुलिस ने 9 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, हम आपको बताएं कि कंकड़बाग थाना क्षेत्र के रघुवंश नाथ उच्च विद्यालय में डीएलएड का परीक्षा चल रहा था, जिस दौरान 9 फर्जी परीक्षार्थियों को कंकड़बाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि उसमें 5 युवक और 4 महिलाएं शामिल हैं। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि नीट परीक्षा में किस तरीके से सॉल्वर गैंग एक्टिव थे, जिन्होंने नीट परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों को रखा और वहां पर किसी और परीक्षार्थी के बदले कोई और वहां पर एग्जाम देता नजर आया, जिसको यूपी पुलिस ने पकड़ा था। यूपी पुलिस ने ढाबा बोला और उसके बाद इन सबको गिरफ्तार किया गया। और ऐसा ही मामला एक बार फिर से पटना में हुआ है, जब कंकड़बाग पुलिस ने 9 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। कहा यह जा रहा है कि ये 9 के 9 स्कॉलर थे और ये किसी और के बदले एग्जाम दे रहे थे, जिस दौरान जब वहां पर इन्विजिलेटर गए और चेकिंग की गई तो चेकिंग में ये पकड़ाए, फर्जी तरीके से पकड़ाए, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना इसकी दी गई और पुलिस आकर के इन 9 को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और कहा यह जा रहा है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार को इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। इन दिनों लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो नियुक्ति में हो या फिर परीक्षा में। आपको बताएं कि इसके पहले भी बीईओ का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जो हमने आपको बताया था कि शिक्षक बनाने के लिए वो 8 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और इसे लेकर के उन पे कार्रवाई की गई, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन फिर भी फर्जीवाड़े के मामले इन दिनों शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और वहीं परीक्षा की बात कर लें तो बड़े बड़े एग्जाम्स जो हो रहे हैं उनमें भी फर्जी परीक्षार्थी बैठ के एग्जाम दे रहे हैं और धांधली के कई तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। जहां आपको हमने बताया इसके पहले नीट जैसे एग्जाम में भी धांधली हुई है और अब डीएलएड के एग्जाम में 9 परीक्षार्थी फर्जी पकड़ाए गए हैं, जिन्हें फिलहाल कंकड़बाग पुलिस अपने साथ थाना ले गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से इस पर कार्रवाई करती है। लेकिन सरकार को अब शिक्षा को लेकर के सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं उसके स्तर घटते जा रही है और इसी के लिए अभी इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आगे आने वाले दिनों में एक शिक्षा विभाग की जो एक छवि कह सकते हैं वो ख़राब होंगी। और इसीलिए शिक्षा विभाग को इन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और जो भी एग्ज़ाम्स किए जाते हैं, जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रखें ताकि इन सब तरीके के मामले सामने ना आए। क्योंकि अब देखा यह जा रहा है कि लगातार इस तरीके के मामले खुलकर सामने आ रहे हैं और इस जो फर्जी परीक्षार्थी हैं इनके मनोबल बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी छात्र हैं, जो तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाते हैं और बाद में उनका सिलेक्शन नहीं होता है और ऐसे परीक्षार्थी का सिलेक्शन हो जाता है जो कि खुद से एग्जाम भी नहीं दिए हैं, तो आप सोचिए कि इससे छात्रों का मनोबल कितना गिरेगा। और इन सब चीज़ों को लेकर के ही अब शिक्षा विभाग को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है और हम यही उम्मीद भी करते हैं कि शिक्षा विभाग इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेगा और पुलिस भी जिन परीक्षार्थियों से पूछताछ कर रही है और भी इसके कई ऐसे सुराग होंगे जो छिपे होंगे वो निकल कर सामने आए, ताकि आने वाले दिनों में इस सब तरीके की घटना ना हो सके। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।